24 घंटे के अंदर ईरान खुद को परमाणु पावर घोषित करेगा या 24 घंटे के अंदर इजराइल करेगा ईरान पर हमला। घड़ी टिक टिक करने लगी है। 24 घंटों के अंदर ईरान बन जाएगा न्यूक्लियर पावर या 24 घंटों के अंदर इजराइल दिखाएगा अपनी अटैक पावर। दोनों के पास हैं 24 घंटे जो इस बात को फाइनल कर देंगे कि अब विश्व युद्ध होगा या फिर परमाणु युद्ध। ईरान और इजराइल की टक्कर में पूरी दुनिया फंस चुकी है और अब एक फैसला इस युद्ध को एक झटके में अंजाम तक पहुंचा सकता है, लेकिन वो फैसला ऐसा होगा जिसमें पूरी दुनिया के जल जाने का खतरा है। अमेरिका की मीडिया से लेकर दुनिया के कई हिस्सों में अब ऐसी खबरें छप रही हैं कि ईरान ने बहुत खुफिया तरीके से परमाणु परीक्षण कर लिया है। ईरान में भूकंप की खबर ने अटकलें बढ़ा दी हैं कि ईरान का एटम बम तैयार है और यही वजह है कि इजराइल अब खौफ में है। खबर यह है कि ईरान के सेमनान प्रांत में 5 अक्टूबर को जलजला आया। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 मापी गई। इस भूकंप का एपिसेंटर ईरान के एक परमाणु प्लांट के करीब 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। इस तरह के झटके अमूमन भूकंप में महसूस किए जाते हैं, लेकिन अब ईरान में अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण होने का शक किया जा रहा है। اسلام ایران خواهان تنش افزایش تنش نیست خواهان جنگ نیست اگرچه ما از جنگ نمی ترسیم همه جور آمادگی کامل داریم اگر می خواهند اراده ما رو امتحان بکنند همونطور که اینجا عرض کردم میتونن این کار رو انجام بدن 1 اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر 200 بلسٹک میسائلوں سے حملہ کیا 4 اکتوبر کو ایران کے سپریم لیڈر نے جمعے کی نماز پڑھا کر بتا دیا کہ ایران اسرائیل کے جوابی حملے پر پھر سے تل ابیب کو جھکجھوڑنے کے لیے تیار ہے 5 اکتوبر کو ایران میں بھوکمپ آتا ہے और फिर इस भूकंप में परमाणु परीक्षण की थ्योरी वायरल हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल की तरफ से ईरान के जिन ठिकानों को टारगेट बनाने की तैयारी की गई है उसमें ईरान के परमाणु अड्डे भी हैं और ये ईरान से ज्यादा अमेरिका के लिए बड़ी फिक्र की बात है, क्योंकि उसे खतरा है कि ऐसे हमले पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक सकते हैं। ईरान पिछले 20 सालों से अपना परमाणु कार्यक्रम बेहद सीक्रेट तरीके से चला रहा है। यहां तक कि अमेरिका को भी ईरान के सीक्रेट परमाणु कार्यक्रम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। हालांकि 2023 में अमेरिका की न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने यह दावा किया कि ईरान ने अपना परमाणु प्लांट जमीन के इतना नीचे बनाया है कि अमेरिका की कोई भी मिसाइल उसे भेद नहीं सकती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान तेहरान से करीब 225 किलोमीटर दूर नतांज न्यूक्लियर प्लांट के पास पहाड़ों में सुरंगें बना रहा है। ये सुरंगें जमीन में 260 से 328 फीट तक गहरी हैं। यानी यहां अमेरिका का कोई बंकर बस्टर बम भी काम नहीं करेगा। यूरोप के भी कई देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह चुकी है कि ईरान परमाणु बम बनाने के इतने करीब पहुंच चुका है कि बहुत जल्द वो अपना पहला परमाणु बम टेस्ट भी कर सकता है। इसलिए एक साल बाद अगर ईरान ने एटम बम बना लिया है तो इजराइल उसे कैसे काउंटर करेगा। ईरान के मिसाइल रोकने में इजराइल फेल रहा है। उसके एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ईरान के मिसाइल के खिलाफ फूल प्रूफ सिस्टम की तरह काम नहीं कर पाए। इसलिए अगर ईरान ऐलान करता है कि उसने परमाणु बम बना लिया है तो समझ लीजिए कि पूरे इजराइल में परमाणु बम का सायरन बजने लगेगा, चाहे वो राजधानी तेल अवीव हो या फिर हाइफा या फिर कोई और इजरायली शहर। मैं इस वक्त इजराइल के तेल अवीव में हूं और यहां के लोगों में हमास के छोटे रॉकेट से ज्यादा डर ईरान की बड़ी मिसाइलों का रहता है। वैसे तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहता है और इजराइल की तरफ आने वाले हर ड्रोन को, हर मिसाइल को और हर रॉकेट को इंटरसेप्ट करके आसमान में ही खत्म कर देता है। लेकिन फिर भी यहां के लोगों के मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता है कि अगर हमला 1 अक्टूबर से बड़ा हुआ तो क्या होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक सीक्रेट रिपोर्ट पहले ही इजराइल और अमेरिका को बहुत ज्यादा डरा चुकी है। IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है
इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ईरान इससे 3 एटम बम बना सकता है। ईरान का यूरेनियम का स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128 किलो तक पहुंच गया है। एक परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक संवर्धन करना जरूरी है और दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 60% तक संवर्धन कर लिया है। ऐसे दावे इसराइल और अमेरिका भी लगातार करते रहे हैं, लेकिन जब युद्ध के बीच हालात ऐसे हों और ईरान में आए एक भूकंप को परमाणु परीक्षण से जोड़कर देखा जा रहा हो तो समझ जाइए कि इसराइल के लिए बैकफुट पर आने का वक्त आ गया है। अब परमाणु बम को लेकर ईरान वाले खतरे ने इसराइल और अमेरिका का डर वाला मीटर रेड लेवल पर चला गया है। इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वॉर बनकर टूट सकता है। سیاست ما سیاست جنگ و ادامه تنش نیست اگرچه برای اون آمادگی داریم سیاست ما توقف درگیری ها هست و رسیدن به یک آتشبس عادلانه که مورد توافق مورد قبول و پذیرش مقاومت باشه ایران پہلے 13 اپریل کو اور پھر 1 اکتوبر کو دکھا چکا ہے کہ اس کے پاس ایسی میزائل ہیں جو لانچ ہونے کے بعد 400 سیکنڈ کے اندر اسرائیل پر جا کر تباہی مچا سکتی ہیں ऐसे में ईरान का एटम बम या कहें कि उसके तमाम परमाणु ठिकाने फौरन तबाह कर दिए जाएं, यही इसराइल का फोकस होगा। अभी ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट हैं। पहली जगह है नतांज और दूसरी जगह है फोडो। यहाँ है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट जहाँ ईरान सबसे ज्यादा गुणवत्ता के यूरेनियम संवर्धन करता है। इसराइल चाहेगा कि वो पहली फुर्सत में ईरान के इन परमाणु अड्डों को पहली ही स्ट्राइक में तबाह कर दे। ये वो जगह है जहां बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम तैयार किया जाता है। ये नतांज न्यूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है। 2002 से 2020 तक इस साइट का ईरान ने बहुत विस्तार किया है। वहीं फोडो वाले न्यूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीर 2009 में सामने आई थी। यहाँ भी 2002 से 2020 तक ईरान ने काफी काम आगे बढ़ाया है। दावा किया जाता है कि ईरान सबसे अधिक यही यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। अब तक ईरान की नीति साफ है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी इसे बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन अब हालात अलग हैं। अब दुश्मन सामने है और खतरा ईरान के परमाणु अड्डों को भी है। सवाल है कि क्या खामनेई अपनी नीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि खामनेई के सलाहकार ने ऐसा इशारा किया है कि अगर ईरान के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ तो वो अपनी परमाणु नीति बदल सकते हैं। ईरान के पास अभी एटम बम है या नहीं, ये बात पुख्ता तौर पर अमेरिका भी नहीं जानता, लेकिन इसराइल के पास एटम बम है, इससे कोई इनकार नहीं करता।